पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगने वाला अनिल विज का जनता दरबार भले ही बंद हो गया हो, लेकिन फरियादियों का तांता आए दिन अनिल विज के निवास स्थान पर लगा रहता है। अनिल विज का जनता दरबार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह एक अफ्रीकी युवक अपनी फरियाद लेकर अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचा, जहां पर विदेशी युवक ने फरियाद लगाते हुए बताया कोई कंपनी है जिसके साथ उन्होंने व्यापार शुरू किया था, लेकिन कंपनी के मालिकों ने उसके साथ चीटिंग की है, जिसके बाद अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों की इसकी सूचना दी और कार्रवाई करने के आदेश दिए। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए सुनवाते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम पंकज अग्निहोत्री है। ये मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर एलेक्स, जो कि बुर्किनो फासो से हैं। मेरे को मंत्री जी के बारे में पता चला कि ये गरीब लोगों की और असहाय लोगों की सहायता करते हैं, तो हमने मंत्री जी को सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था आज, तो आज मंत्री जी ने हमारी बड़ी सपोर्ट करी। और एलेक्स का जो पैसा फंसा हुआ है इंडिया में अमन एंटरप्राइजेस के पास, उसको दिलाने के लिए उन्होंने बोला है पुलिस अथॉरिटी को और हायर अथॉरिटीज़ को, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मंत्री जी का। और बीजेपी के राज में उनका जो शासन है वो बहुत ही अच्छा है। ये मामला ये है कि ये जो है दिसंबर 6 दिसंबर को ये इंडिया आए थे, बिजनेस में अपनी प्रिंटिंग मशीन इन्हें खरीदनी थी। इसके लिए उन्होंने पहला ट्रांजेक्शन जो $1,000 था 6th ऑफ दिसंबर को किया था 2022 में। उसके बाद से लेके अप्रैल मई तक इससे पैसा जो है टोटल 25 लाख रुपए भारतीय करेंसी में और $30,000 अमेरिकन डॉलर जो है इनसे लिए गए थे, जो कि इन्होंने बैंक से फाइनेंस कराया था, लोन लिया था अपने देश में। इसके अलावा वो पैसा इनको मतलब इनसे पैसा ले लिया गया, लेकिन आज तक ना तो कोई मशीन हैंड ओवर की गई है और ना ही पैसा दिया गया, वो चीटिंग हुई है इनके साथ। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये पैसा इन्हें वापस मिल जाएगा, बिकॉज उनका अमन एंटरप्राइजेस का जो फीडबैक मार्केट से निकल कर आया कि वो अच्छी मशीनें नहीं देते हैं, और अगर वो ले भी जाएंगे तो लोहा होगा वो किसी काम का नहीं है, तो इनको अपना पैसा वापस चाहिए। ये इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते थे, 45 लाख रुपये का रॉ मटेरियल उस मशीन के लिए इन्होंने अम्बाला से खरीदना था, वो ऑलरेडी इन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे साल के लिए 1 करोड़ का बिजनेस हर साल देते हैं इंडिया को।